दोस्तों मैं एजाज अहमद, ये रिपोर्ट आपको बहुत ही गौरव खौज के साथ सुनने वाला है और सोचने समझने की ज़रूरत है। दोस्तों हमारे देश में ऐसी हवा चला दी गई है कि कहीं भी और कोई भी कांड होता है तो लोगों के दिमाग में ये आने लग रहा है कि हो ना हो ये मुस्लिम होगा, और ख़ास करके जब उसके चेहरे पे दाढ़ी हो और साजिश के तहत या जानबूझकर या वैसे भी अगर वो मुसलमानों वाला नाम बता दे तब तो और पक्का 110% लोगों के यही दिलो दिमाग में कि ये मुसलमान ही हो। हालांकि चोरी डकैती लूट मार रेप ये सब मुजरिम ही होता, और ऐसा इसलिए किया जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिल में नफरत 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 फैलाई जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि चोरी डकैती हत्या रेप मुसलमान ही करते हैं। हाँ, इसमें है, लोग ऐसे हैं, हर जगह पूरी इंसानियत में है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का मानने वाला हो, हर में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। ऐसा कहना कि हर मैटर पे मुसलमान ही है, हर मैटर में मुसलमान ही, हर मैटर में मुसलमान ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी हर लोग जानते हैं, लेकिन जानबूझकर आज ऐसी हवा चला दी गई है कि आँख और दिलो दिमाग को बिल्कुल बंद करके लोग देखते हैं। आप जानते हैं लगभग 15-20 दिन से आफ्ताब और श्रद्धा वाला कांड, डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसी को लेकर, आफ्ताब और श्रद्धा को लेकर के दिल्ली में एक यूट्यूब चैनल ने एक आदमी से पूछा कि आफ्ताब ने श्रद्धा का 35 टुकड़े कर दिया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो वो आदमी बोला कि अगर मैं होता तो 35 के बजाय 36 टुकड़े करता, और वो बिल्कुल सही किया है, जायज़ है, ये गुस्से में लोग कर सकते हैं, गुस्से में मैं भी होता तो मैं 36 टुकड़े कर देता। ये बात सुनते ही उस आदमी का, यूट्यूबर सुनते ही उसने कहा कि सर आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा कि मेरा नाम राशिद है। अब होना क्या था, जब नाम बताया मुसलमानों वाला तो बस पूरी अब बिना सोचे समझे मुसलमानों वाला नाम, चेहरे पे दाढ़ी, तो अब पूरी आग की तरह ये बात फैल गई और लोगों में गुस्सा शुरू हो गया कि अब उसको गिरफ्तार करो, मुसलमानों की मानसिकता ऐसी है, ये देखो कैसे कैसे लोग हैं। जितना जल्द हो सका पुलिस गिरफ्तार कर ली उसको, तफ्तीश शुरू कर दी, खोजबीन शुरू हो गया, और उसको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। शायद वो कोई और नाम का होता तो इतनी जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई ना होती, या शायद होती भी नहीं, ऐसा माहौल ऐसा हालात चला हुआ, या उसके पक्ष में भी लोग आ जाते। खैर, गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस जब उससे तफ्तीश शुरू की, छानबीन शुरू की, तो तफ्तीश में मालूम पड़ा कि वो राशिद नहीं बल्कि विकास है। एक बार और सुनिए, राशिद नहीं बल्कि विकास है। जी हाँ, विकास है। उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा बयान क्यों दिया, और वो भी नाम बदल करके। तो उसने कहा कि मैं नाम बदल करके इसलिए दिया कि एक समुदाय यानी मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिल में नफरत हो और गुस्से का माहौल बने, वातावरण खराब हो। जी, उसका बयान है। और तफ्तीश पुलिस ने यह भी बताया कि इस विकास नाम के लड़के पर, इस युवक पर ऑलरेडी पहले से भी मुकदमा दर्ज है, हथियार, अवैध तरीके से हथियार लेन देन रखने और चोरी के कई सारे, लगभग 5 मुकदमे ऑलरेडी पहले से दर्ज है। आरोपी उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद के मौलाबाद गांव के रहने वाला है। मैं अपने देशवासियों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, प्लीज़ मेरे भाइयों, आप जुर्म को धर्म की निगाह से ना देखिए, प्लीज़ जुर्म को जुर्म की निगाह से देखिए, तो हमारे देश का वातावरण सही रहेगा, हमारे आपस में मोहब्बत होगा। शुक्रिया, इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें, और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करें। शुक्रिया।